मध्य प्रदेश की विजयपुर विधानसभा सीट से बीजेपी में शामिल होने वाले कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के एक बयान ने प्रदेश की सियासत को हिला के रख दिया है। प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे रामनिवास रावत ने अपने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस पार्टी में पैसे से टिकट मिलते हैं, पार्टी में सुनवाई नहीं होती। अगर सुनवाई होती तो मैं भाजपा में क्यों जाता। अपने इस्तीफे को लेकर उन्होंने कहा कि समय आने पर इस्तीफा दे दूंगा, कांग्रेस को जो करना है वो करें। भाजपा कार्यालय में रामनिवास रावत से पत्रकारों ने इस्तीफा कब देंगे का सवाल किया तो उन्होंने कहा कि समय आने पर इस्तीफा दे दूंगा। रही बात कांग्रेस की तो कांग्रेस में पैसे में टिकट मिलते हैं, कांग्रेस को जो करना है वो करें। उन्होंने कहा कि मैं पूरा हादस चलाता था लेकिन मुझे जूनियर को नेता प्रतिपक्ष बना दिया। कांग्रेस अगर मेरे बराबरी वाले नेता को नेता प्रतिपक्ष बना देती तो कोई दिक्कत नहीं होती। रावत ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में पैसे में टिकट मिलते हैं, आम आदमी कार्यकर्ता का टिकट काट दिया जाता है। पार्टी ने ऐसे नेता को टिकट दिया जिसने मेरे खिलाफ प्रचार किया था। आपको बता दें कि श्योपुर जिले की विजयपुर सीट से कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गए थे। उन्होंने सीएम मोहन यादव के समाने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली थी। वहीं सागर जिले की बीना विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे भी बीजेपी में शामिल हो गई थी। दोनों कांग्रेस विधायक बीजेपी में शामिल तो हो गए हैं लेकिन दोनों ने अब तक दलबदल कानून के तहत विधायक पद से इस्तीफा नहीं दिया है।